ਨਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਜੋ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। आज रमजान में आपको तकलीफ दी है, कोविड के हालात भी हैं, तो मुख्तसरन गुजारिश करूँगा। आज यौम मई है, आज आलमी मज़दूरों का दिन है। इस आलमी दिन के मौके पे सारी दुनिया में मज़दूरों के हकूक़ के ऊपर बातें होती हैं, उसके लिए प्लेजेस होते हैं। इस दफ़ा कोविड की वजह से हम अपनी रवायती जो जुलूस और जलसे होते थे वो नहीं कर पाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मज़दूर के साथ अपना रिश्ता बड़ा मजबूत रखती है, और हमेशा हमने मज़दूरों की जद्दोजहद को हर हाल में सपोर्ट किया है। और हम ये यकीनन समझते हैं कि किसी भी मुल्क और समाज की तरक्की में अगर हम उसके मज़दूर के हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे, उसको बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तहफ़ुज़ नहीं देंगे, तो ना उस मुल्क की सनत चल सकती है, ना उस मुल्क की ज़राअत चल सकती है, ना उस मुल्क की ट्रेड चल सकती है। सो किसी भी समाज को बनाने में मज़दूरों का एक कलीदी रोल है। हम उनके हकूक़ के साथ थे, हैं और रहेंगे। और मौजूदा हुकूमत ने जो मज़दूर दुश्मन पॉलिसियाँ शुरू की थी, आज मुल्क में महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, अशियाए सर्फ इंसानों की दस्तरस से उनके बसात से दूर होती जा रही है, लेकिन हुकूमत के दावे कि हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो नित नए एहतसाबी नारे तो लगा रहे हैं, वो कमीशन पे कमीशन तो बना रहे हैं, लेकिन जो काम आवाम को रिलीफ देने का था वो नहीं दिया जा रहा। और आज आपको कराची से लेके खैबर तक हर तरफ हर तबका फिक्र, मज़दूर हैं, किसान हैं, तालिब इल्म हैं, वो सारे परेशान हैं। और सो मच सो कि दुनिया की इस खौफनाक वबा कोरोना, इसका मुकाबला करने के लिए भी सिवाय लंबी लंबी मीटिंगें करने के इन्होंने अमलन क्या किया कि आज तक हुकूमत ने खुद जो टाइमली वक्त पे इसकी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट थी वो नहीं की, और आज तक पाकिस्तान के अंदर बड़ी थोड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगी है, और उसमें भी अक्सरियत वो है जो हमें डोनेशन मिली है। सारी दुनिया अपने शहरियों को बड़ी स्पीड से ये मेडिसिन लगवाना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर में मेडिसिन आई तो उसके बारे में मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इसकी कीमत $10 थी, पाकिस्तान के अंदर उसकी लैंडेड कास्ट $45 डिक्लेयर की गई, और वो दवाई जो 3,500 या 4,000 तक वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में लग सकती थी वो 12,000-12,500 रुपये तक लगाई गई, और इसमें बहुत बड़ी डकैती की गई है। ये हुकूमत की नालायकी और नाकामी है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ नहीं कर पाए और ख़ुद उन्होंने टाइमली प्रिक्योर नहीं की। अब तक पाकिस्तान के अंदर जहाँ हम उस रीजन में हैं जहाँ बड़ी तेज़ी से ये वबा फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अभी हमारे मुल्क पे उस कदर तेज़ सूरत हाल नहीं है, लेकिन हम सबको इस पे एहतियात करने की ज़रूरत है। ये सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ बहुत खौफनाक है, लेकिन इस पे भी हुकूमत की नालायकी जो है वो उनके रवायत के मुताबिक है। और मैं ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों को, इस मुल्क के अंदर अपोजिशन की जमातों को, कराची के अपने पार्टी के अहदेदारान को, पार्टी के कारकुनों को, अपने इत्तेहादियों को, सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने NA-249 का इलेक्शन बड़ी जानफिशानी से लड़ा, बड़ी मेहनत से लड़ा, और उस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। ये अलग बात कि उस कामयाबी को
धांधली के नारों में छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई है, जो काबिले अफसोस है। वो बड़ा वाज़े इलेक्शन था, उसमें कोई ऐसा ना डिले की बात है, ना उसमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई मदाखलत हुई है। सारा दिन मीडिया उस इलेक्शन को, एक एक पोलिंग स्टेशन को कवर करता रहा, किसी चैनल पे, किसी पोलिंग स्टेशन पे किसी बेजाब्तगी की कोई इतला नहीं है, किसी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। और ये कि जी 5 बजे पोलिंग बंद हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे रिजल्ट आ जाने चाहिए थे। याद रखिए, 5 बजे 5:30 बजे पोलिंग बंद हुआ और उसके बाद गिनती हुई होगी। 7 बजे वहाँ, तकरीबन 7 बजे के करीब वहाँ पे रोज़ा अफ्तारी होती है। अफ्तार के बाद वो पोलिंग एजेंट्स जो हैं या पोलिंग अफसर जो हैं, प्रिजाइडिंग अफसर्स, अपने अमले के साथ अपना सामान जमा कराने के लिए रिटर्निंग अफसर के ऑफिस गए। 276 पोलिंग स्टेशन हैं, कोई आधे घंटे में पहुंचा होगा, कोई घंटे में पहुंचा होगा, मैक्सिमम शहर है, ज़्यादा दूर तो नहीं थे, लेकिन एक जगह पे अगर 276 पोलिंग स्टेशनों का अमला पहुंचे अपने सामान के साथ और उन्होंने वो जमा कराना है, वो बैग जमा कराने हैं, वो फ़ोन जमा कराने हैं और उसकी रसीद लेनी है, तो अगर एक रजिस्टर में सारा कुछ एंटर हो रहा है, उसकी एंट्री डालनी है 276 पोलिंग स्टेशनों की, अगर एवरेजली 1 से 1.5 मिनट एक पोलिंग स्टेशन को लगे, 1 से 1.5 मिनट, 276 पोलिंग स्टेशनों पे कुछ 400 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड जमा होने के बाद जो फॉर्म 45 है वो जमा होता है, और वो फॉर्म 45 276 वो पंच होने हैं कंप्यूटर में, फीड होने हैं, और उसके अंदर अगर 25 से 26 या 27 कितने उनके कैंडिडेट थे, हर कैंडिडेट का अलग अलग उन्होंने एंट्री करनी है। अगर एवरेजली 2 मिनट लगे या वहाँ भी 1.5 मिनट लगा लें, कॉन्स्टेंटली वो पंच कर रहे हों या एंट्री कर रहे हों, तो 1.5 मिनट में 25, 26, 27 जो कैंडिडेट हैं, भले किसी का 0 भी वोट हो तो उसका 0 तो लिखना है ना, इसी तरह बाकी हर जमा, फिर उन्होंने जिम्मेदारी से उसको चेक भी करना है कि सही लिखा गया कि नहीं। सो 1.5 मिनट उसका लगे, तो 3 मिनट अगर एक पोलिंग स्टेशन का ये डाटा मुकम्मल करने पर लगते हों तो 276 पोलिंग स्टेशनों पे कितने मिनट लगेंगे, कोई 800 मिनट लगेगा। 800 मिनट के कितने घंटे बनते हैं, कोई 14 घंटे बनते हैं, 14 ना सही, 10 घंटे सही, 10 घंटे ना सही, 8 घंटे सही। 8 बजे के पहुंचने के बाद 8 घंटे और शामिल करें तो सुबह 4 बज जाते हैं। और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसका नतीजा 8-10 घंटे से पहले ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ हो, क्योंकि वो रिजल्ट कंसोलिडेट होता है, वो फॉर्म 47 तैयार होता है। हाँ, वहाँ पे आपके साथी भी पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट ले रहे होते हैं, हमारे पोलिंग एजेंट भी ले रहे होते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जी एक जमात की तरफ से कि पहले कोई 180 पोलिंग स्टेशनों पे तो हम जीत रहे थे, हालांकि ये खिलाफ हकीकत बात है। जियो पे या बाकी चैनल्स पे पहले 40 पोलिंग स्टेशन तक ये था कि उनको लीड थी चंद 100 वोटों, और उसके बाद मुसलसल पीपल्स पार्टी की लीड रही, ये रिकॉर्ड शाह से आया था इस बात का। फिर ये कहना कि जी, फिर ये भी होता है कि हर हलके में कुछ पोलिंग स्टेशन जहाँ पे किसी एक कैंडिडेट की ज़्यादा अक्सरियत होती है, किसी इलाके में दूसरे की ज़्यादा अक्सरियत होती है, अगर एक इलाके से वोट आए और मेरे वोट ज़्यादा आ गए और दूसरे इलाके से चौधरी मंजूर साहब के आ गए, तो मैं कहूं जी जहां से मेरे वोट ज्यादा आए थे मेरे ही ज्यादा आने चाहिए, तो क्या ये मुमकिन है? सो खिलाफ हकीकत एक नारेबाजी शुरू कर दी गई कि हमसे इलेक्शन चोरी हो गया, डस्का 2 हो गया, फलान हो गया। कोई बंदा, हाँ, अगर किसी जमात किसी फर्द को ये शिकायत है कि उनके पास फॉर्म 45 है और जो ऐड हुआ है, हमें भी पहले डिले पे डाउट था, हमें भी डिले पे हम भी शाकी थे, लेकिन जब उन्होंने वजाहत की रात को 11:30 बजे प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसर ने कि मेरे पास सारा अमला पहुंच गया है लेकिन अब मुझे टाइम तो लगेगा। सो अगर कोई जमात अपना डिक्लेयर कर रही है तो वो जिम्मेदारी से नहीं कर रही। अगर मीडिया के अंदर कोई चैनल अपने तौर पर कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है
बट रिटर्निंग अफसर ने जब रिजल्ट देना है तो उसने कंसोलिडेट करके तसली से रिजल्ट देना है, वो इस तरह नहीं कर सकता। आपसे गलत रिपोर्टिंग हो सकती है, हमारे साथी हमारे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो हमें गलत खबर दे सकते हैं। और फिर ये भी होता है, जहाँ से इलेक्शन जीता जाता है वो तो फौरी तौर पर रिजल्ट लेके आते हैं, और जहाँ से इलेक्शन हार जाता है अक्सर पोलिंग एजेंट रिटर्न नहीं होते, फिर वो अपनी परेशानी मायूसी में। सो वो एक बड़ा फेयर इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी ने वहाँ कराची में उनका ज़िला बनाया है। हमारे कैंडिडेट पिछला इलेक्शन लूज करने के बाद मुसलसल फैसल वाडा के खिलाफ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े, बल्कि उन्होंने अपने हलके के साथ भी मुसलसल रابطہ रखा, उनकी तंजीम ने भी रابطہ रखा, उन्होंने बहुत सारे लोग अपनी जमात में शामिल कराए जो किसी दबाव के नतीजे में नहीं थे। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोगों को यही गुमान है कि हम ही जीतेंगे, तब इसका इलाज तो किसी के पास नहीं है। आखिरी गुजारिश यह है कि हमारे कुछ साथियों को ये मसला है कि वो कहने को तो हुकूमत के मुखालिफ हैं और हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, हमसे भी इस्तीफ़ों का मुतालबा करते हैं या करते थे, लेकिन ख़ुद हुकूमत को गिराने से इतराज़ कर रहे हैं। ये बात मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी कही है कि वो उसदार हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। ये बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने कही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले पीपल्स पार्टी की तजवीज़ नहीं मानी, अब वो जहांगीर तरीन की तजवीज़ भी नहीं मानेंगे और हमारे बगैर पंजाब में तब्दीली नहीं आ सकती, लिहाजा अब भी हम वो बात नहीं मानेंगे। इसी तरह राणा तनवीर साहब ने कहा कि हमें तो बुजदार सूट करते हैं, तो अंदर की बातें खुल के सामने आ गईं और अब कोई शक नहीं रह गया कि वो खुद इस हकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते। बल्कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने बुजदार साहब की बड़ी तारीफ़ें की, उनकी इतनी खसूसियात गिनवाई, इतनी खूबियाँ गिनवाई कि वो बेचारे खुद परेशान हो गए कि हाँ इतनी इतनी खूबियाँ हैं मुझ में। और लगता है कि मुस्लिम लीग वज़ीर आज़म के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हो गई है, क्योंकि वो भी बुजदार साहब को हटाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम उनको आज भी कह रहे हैं कि पंजाब से इस हुकूमत का चल चलाओ शुरू हो सकता है बड़ी आसानी से पंजाब में तब्दील, और अब तो शक ख़त्म हो गया ना, अब तो वाज़े हो गया कि उनकी जमात के अंदरूनी सूरत हाल क्या है। तो यहाँ से शुरू करके अगर हमारे साथी हमारे साथ होते तो अब तक हम इमरान खान की हुकूमत का मुल्क भर से खात्मा कर चुके होते, लेकिन अपने अब अमाल पे गौर नहीं करना और दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी के नतीजे में या ऊंची आवाज़ में बोल बोल के या गलत हकायक पेश कर कर के मफरूज़ों पे मबनी बातें करके उनकी फतह को शिकस्त में तब्दील करना या अपनी शिकस्त को अपनी खिफत को मिटाने की कोशिश करना ये मुनासिब रवैया नहीं है। हम आज भी समझते हैं कि अपोजिशन की जमातों से कौम को तवक्को है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अपोजिशन इकट्ठी होगी। और आखिरी गुजारिश यह है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को जितनी भी आरा दी, जितनी भी बातें कही हैं, ख्वा वो बाय इलेक्शंस थे, ख्वा वो सेनेट इलेक्शन थे, ख्वा वो अदम एतमाद की तहरीक थी, वो दो सूरतों में हम सुरखरू हुए, हमारी बात मानने से पीडीएम मजबूत हुई, और तीसरी बात वक्त ने साबित कर दी जो हम कह रहे थे कि हम अदम एतमाद ला सकते हैं, पीटीआई के अंदर क्रैक्स मौजूद हैं, उनके लोग उनसे नाराज़ हैं, अब वो कौम के सामने आ गया। लेकिन जब ये पीटीआई के अंदरूनी क्रैक्स खुल के सामने आ गए तो मुस्लिम लीग भी खुल के सामने आ गई कि हम इस हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते, कि हम चाहते हैं ये 5 साल चले। अब ये किसके नतीजे में है, इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है मेरे बड़े ही काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो उनसे पूछे कि इसका जवाब क्या है कि वो क्यों इस हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते, इसके नतीजे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमसे तो इस्तीफ़ों के मुतालबे हों, कौम को तो ये कहा जा रहा हो, पीडीएम के फोरम पे तो ये बातें हों कि हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, और ख़ुद कहा जा रहा हो, सिर्फ एक लीडर ने नहीं और सहवन नहीं कहा, बाकायदा प्लैंड कहा और बार बार कहा, और उस जमात के बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम इस हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी कलेक्टिवली अदा करनी चाहिए,
इस हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजना चाहिए। ये जितना अरसा रहेगी इस मुल्क के ऊपर अजाब मुसल्लत होता रहेगा। और अब तो न सिर्फ पीटीआई के अंदरूनी क्रैक वाजे हो रहे हैं, अब तो और बहुत सारी जगहों पे क्रैक सामने आ गए हैं। लिहाजा अब तो हमारी मंजिल आसान है अगर मुस्लिम लीग इसमें हमारा साथ दे। एक मलिक साहब, मैं कायरा साहब की इजाज़त से योम मई के हवाले से मैं एक दो बातें कहना चाह रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है कि आज योम मई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासकर मजदूरों के लिए बहुत बहुत बड़े काम किए। भुट्टो साहब जब आइन बनाने लगे तो आर्टिकल 11 से लेकर 35 तक जो सारी शिक्के हैं उनके अंदर लोगों को राइट ऑफ एसोसिएशन दिया, ट्रेड यूनियन बनाने का हक दिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर सारे किए गए। भुट्टो साहब ने बहुत सारे इदारे बनाए, वर्कर्स वेलफेयर फंड, EOBI से लेकर सोशल सिक्योरिटी से लेकर सारे। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि आज 1% से भी कम लोग ट्रेड यूनियन के अंदर रजिस्टर्ड, ये अलमिया है इस मुल्क का इस वक्त। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब के दौर में, मोहतरमा के दौर में बहुत सारा काम किया, लेकिन आखिरी हुकूमत में तनख्वाहों में 135% इजाफा किया, 100% पेंशन के अंदर इजाफा किया, बिसॉस प्रोग्राम लेकर आए, बेंजीर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम जिसके तहत 12% हिस्से सारी कारपोरेशन के अंदर फ्री मजदूरों को दिए, यानी मजदूर से मालिक का जो तसव्वुर था वो दिया। फिर इसके अलावा 2010 की लेबर पॉलिसी दी, 1972 के बाद लेबर पॉलिसी, कायरा साहब उस कैबिनेट का हिस्सा थे, खुर्शीद शाह साहब मिनिस्टर थे, ये किया। 3.5 लाख लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस थे उनको रेगुलर किया। उसके अलावा जितने फ्लैट थे, बहुत सारे और भी हैं, डेथ ग्रांट 5 लाख की, शादी मैरिज ग्रांट की, बहुत सारे लोग काम किए। लेकिन मैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके जिम्मे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि टोटल 1947 से लेकर 2008 तक जितने फ्लैट्स बने थे मजदूरों के लिए, वर्कर्स वेलफेयर फंड और EOBI में जो रजिस्टर्ड लोग थे 2008 से 2013 तक, उतने की बुनियाद रखी और काम शुरू हुआ। अब वो मुकम्मल हुए, नवाज शरीफ के दौर में भी उस पर काम जारी रहा, हमने तो तेजी से किया, लेकिन बाकी हुकूमतों ने। उसके लिए उसूल ये है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड वर्कर को मिलेगा जो EOBI के अंदर कम अज कम 5 साल की पेंशन ले रहा है। वो आज नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का जो फ्रॉड है अब सारे उसमें शामिल कर लिए गए हैं, और वो वर्कर्स की बजाय अपने कारकुनों को दिए जा रहे हैं उस स्कीम के तहत। अपना तो कोई मुकम्मल नहीं किया, लाहौर में इन्होंने ये किया है, इस्लामाबाद में इन्होंने ये किया है, अब टेक्सला के अंदर 1000 फ्लैट है जो ये करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल की मजम्मत करती है, और हम गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, ये गवर्नमेंट के पैसे से नहीं है, ये वर्कर्स वेलफेयर फंड के पैसे से बने हैं, ये उनका राइट है। और हम आज ऐलान करते हैं कि अगर ये उन्होंने वापस ना किए तो हम इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे, और जो स्ट्रीट का रास्ता है, जो इसके खिलाफ मुजाहरे हैं, वो भी कोविड के बाद मुनज्जम करेंगे और हर फोरम पे इसके खिलाफ। पहली गुजारिश यह है कि हमने न PDM छोड़ी है, न हम PDM छोड़ना चाहते हैं, हम तो PDM बनाने वाले हैं। हम तो इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी करने का ख्वाब जो है उसको अमृत अभी पहुँचाने पहनाने के लिए हम तो सारे जहान की कोशिशें करने वाले हैं। हम तो 1970 से लेकर आज तक इसी लड़ाई में शामिल हैं। सो हम कहीं गए नहीं, तो हमने वापस क्या आना है। हमने वहाँ जो हमारे साथ सलूक किया गया, ख़ास तौर पे एक जमात के अहदेदारों की तरफ से, उस पर हमने अपना एहतजाज किया था, और वो मौलाना के पास मौजूद है, सारी कौम के सामने है। हमें तवक्को है कि उसके बाद जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा सामने खुल के सामने आ गई है, और अब PDM की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले को ज़रूर गौर से देखेंगे। जहाँ तक मेरी इतला है हमें उसमें नहीं मदू किया गया।
और ये किसी जमात का इस्तेहकाक नहीं है। एएनपी ने अपने आप को अलग करने का ऐलान किया था, पीपल्स पार्टी ने अलग करने का ऐलान नहीं किया। और अगर हम पे कोई शरायत मुसल्लत करने की बात की, फ़र्ज करें, जो बिल्कुल नामुनासिब था, तो फिर भी शोकाज देने की कोशिश की गई, खत लिखा, वजाहत कर तलब की, क्या हमारी रुकनीत मुअत्तल की कि हमें दावत नहीं दी गई। और ये इस तरह की अपनी मर्जी के फैसले जो हैं, ये तंजीमों में इस तरह इत्तेहादों में नहीं होते, उसके अपने असूल होते हैं। हमें तवक्को है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जो नई सूरत हाल है, जिसमें मुस्लिम लीग इस हुकूमत को नहीं हटाना चाहती, उस पर अपने लाए अमल के लिए कुछ सोचेंगे। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, जिसका एक प्रोसेस मौजूद है वो इलेक्शन कमीशन में जाके अप्लाई करें, मैं चाहूँ ना चाहूँ, उनका हक है, उनको बाय लॉ मिल जाएगा। पहली बात है ये, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। दूसरी बात है, मुझे इतराज़ भी हो, यानी पीपल्स पार्टी ना भी चाहे, अगर उनका हक है तो उनको मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपके ये कौम के सामने एक रखने की बात है कि जिसका काउंटिंग, कौम ने काउंटिंग करानी है, मीडिया ने काउंटिंग करानी है, काउंटिंग कराने का तरीका कार है, आप जाइए दरख्वास्त दीजिए, जहां तक रिकाउंटिंग हो सकेगी वो जरूर हो जाएगी। मुझे अगर कोई एविडेंस है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इतराज है कि जो बराबर साहब के कागज खाड़ा था, अगर उसकी माफी मांगे तो पार्टी का फिर हम गौर करेंगे। देखिए, बंद कमरों में की जाने वाली बातों पे, गुफ्तगू होने पे, जो वहां पे डिस्कशंस होती हैं, उनके ऊपर बहसें और बातें नहीं की जा सकती, उस पर कोई फैसले मुसल्लत नहीं किए जा सकते। हाँ, जो आप अपने फैसले आउटकम में आके ऐलान करते हैं, वहाँ उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। उनके ऊपर अगर मेरा कोई जुमला किसी को तल्ख गुजरा हो तो उसके ऊपर मैं माजरत कर सकता हूँ। अंदर बैठे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी तल्ख बातें होती हैं, आपके खिलाफ हो सकती है, मीडिया के खिलाफ हो सकती है। सवाल यह है कि कोई जमात बाहर आके आपके सामने अपना उस मीटिंग का आउटकम क्या बता रही है। डिस्कशन को तो आप किसी को रोक नहीं सकते। सो ये कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है जिसपे कोई बात। बस मैं इस पर सिर्फ इतनी मिसाल दे सकता हूँ कि पिछले दो हफ्तों में या डेढ़ हफ्तों में दो ब्रीफिंग्स हुई हैं एंकर्स की। उन ब्रीफिंग्स को आपने रिपोर्ट किया है, मीडिया ने, उनको पढ़ लीजिए और मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। इस सवाल का जवाब मैं नहीं देता, इस सवाल का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछिए। हम उस बात पे कायल हैं, कायम हैं, और हम समझते हैं कि इस हुकूमत का फौरी तौर पे जाना इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इन्होंने कश्मीर से लेके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तक, पाकिस्तान की दुनिया के साथ जो ताल्लुकात है, इस कोविड की सूरत हाल पे, इकॉनमी पे, मज़दूरों के साथ ताल्लुकात पे, इस मुल्क की फेडरेशन के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, और अब तो वो खुद मान रहे हैं, जो कार्टल तोड़ने आए थे वो तो कार्टल के सबसे बड़े खुद मुहाफिज आके खड़े हो गए। आप आज, मैं मीडिया के जरिए ये पूछना चाहता हूँ, इस मुल्क की अदालतों से भी सवाल कर रहा हूँ, इस मुल्क के दानिशवरों से भी, हुकूमत से भी, मीडिया से भी सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए, जहांगीर तरीन साहब, वो उन्होंने क्लेम किया कि मेरे साथ जाती हुई है, उनका हक है क्लेम करना, वो उसके लिए एजिटेट कर सकते थे, अपनी जमात में बात कर सकते थे। उनके लिए वजीर आजम साहब ने पहले उन्हें कहा कि वो चीनी के स्कैंडल में हैं, उनके ऊपर केसेस बने हैं, फलान है फलान है, प्रेशर आया तो उन्होंने अपनी जमात के एक सेनेटर को उनके मामले को ओवरव्यू करने का नुमाइंदा मुकर्रर किया है। वो एफआईए को बुलाएंगे, वो जहांगीर तरीन साहब को बुलाएंगे, वो बाकी इन्वेस्टिगेशन वालों को बुलाएंगे और वो इसको रिव्यू करेंगे। मैं कौम से सवाल करता हूं, मैं इस मुल्क के चीफ जस्टिस से सवाल करता हूं, किस कानून के तहत एक सियासी जमात अपने सियासी अहदेदार को किसी क्रिमिनल एलिगेशन पे, मैं जहांगीर तरीन साहब के एलिगेशन को सच नहीं कह रहा, वो एक अपनी जगह अपना जवाब देंगे, लेकिन किस कानून के तहत वजीर आजम ने वहां मुकर्रर किया है एक नुमाइंदा जो ओवरव्यू करेगा? फिर तो हर बंदे का ये हक है। जज साहबान, आप गौर कीजिए, इस मामले पे तवज्जो दीजिए। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि हर पाकिस्तान के शहरी का, जिनको हुकूमत के
इंतहाई घटिया हथकंडों का सामना है, फिर हर बंदे का हक है। पीपल्स पार्टी भी फिर ये मुतालबा करेगी, बाकी मुस्लिम लीग भी ये मुतालबा करेगी, वार जमातें भी मुतालबा करेंगी कि हमारे लोगों के केसेस को रिव्यू करने के लिए हमारा एक बंदा जो कौमी असम्बली का मेंबर हो, जो सेनेट का मेंबर हो, उसको रिव्यू करने का इख्तियार दिया जाए। क्या ये इख्तियार देंगे? और क्या किसी एक जमात को या किसी एक फर्द को इख्तियार देना ये आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक है? ये मेरा कानून के रखवालों से सवाल है। देखिए, बहुत सारे चैनल्स इस्तेमाल होते रहे। कश्मीर एक ऐसा इशू है, एक पहली बात तो यह है कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई नलायकी के साथ इस मामले को हैंडल किया है, जिस तरह बाकी चीज़ों को हैंडल किया है। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता कि ये इंटेंशनली कश्मीर के इशू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि कश्मीर का इशू हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, किसी जमात का फैसला नहीं है। पीपल्स पार्टी का अपना क्लेम है, बाकी जमातों का अपना। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारे क़याम से लेके, पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग डॉक्यूमेंट से लेके 1967 में जब अभी बुनियाद नहीं पड़ी थी, इसकी बुनियादों में जो बीज डाला गया था उसमें कश्मीर का मुकदमा शामिल था। आज तक पीपल्स पार्टी उस मुकदमे के साथ है, कश्मीरियों के साथ है, और हम कश्मीरियों के इस जदोजहद को सलाम करते हैं। उसके लिए ये मुकदमा हम लड़ते रहेंगे, ये अलग बात। हाँ, उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स की भी मुलाकातें होती रही हैं, हुकूमतों के दरमियान भी। ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान इसमें टाइम गेन कर रहा है, उस टाइम गेन करने से ये मामला कई दफ़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, और फिर इस तरह की हुकूमतें आके उस मामले को और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत का ये ख्वाब और ख्वाहिश है कि जूँ जूँ वक्त गुजरेगा ये मामला डाइल्यूट होगा, जिस तरह उन्होंने भी हथकंडा किया 370 को और 35A को उन्होंने रिवोक कर दिया, उस पे उस तरह के हथकंडे करके वो कश्मीर के मामले को दबा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है इंशाल्लाह ताला। आपने मेरे मसले का हल कर दिया, खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। वजीर आजम अगर स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं तो यही सबसे बड़ा अलमिया है, और यही हम कहते हैं, बाकी सवाल का जवाब तो इसी में मौजूद है सारे में। जय साहब बता रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP प्लस पे कोई रेजोल्यूशन करके हमारे खिलाफ पास की, जो बड़ा अफसोसनाक है। हमने उसको मुस्तरद किया है, और हम पाकिस्तान का यही हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है, और इस जंग में सारी दुनिया का फ्रंट लाइन हम हैं, उसके बावजूद आज दुनिया में इस कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन की बदौलत, यार हमारे दादवान में जब दहशतगर्दी अरूज पे थी, दुनिया में थी, यहाँ थी, उस वक्त हम तो GSP प्लस लेने वाले थे, हम दुनिया को कन्विंस कर रहे थे। आज जब पाकिस्तान में बेहतरी की सूरत हाल है, और आज हम पे GSP प्लस के ऊपर सवाल उठा दिए गए हैं, ये इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? ये क्या नुमाइंदगी करेंगे कौन? थैंक यू। नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। देखिए, मेरी जमात की इस वक्त नंबर ये नहीं है कि हम इस जंग को जीत सकें, लेकिन हम इस हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम कलेक्टिवली भी जारी रखना चाहते हैं, कोशिश करेंगे, और इंडिविजुअली भी जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद इस मुल्क के अंदर आईन और आईनी हुक्मरानी के लिए है, आवाम के हकूक के लिए है, इस मुल्क के आम आदमी के आइडेंटिटी के लिए है। पीपल्स पार्टी अपनी वो जद्दोजहद जारी रखेगी, अपने साथी जो हम ख्याल जमाते हैं उनको साथ मिला के, जो जो साथ मिला उनको साथ मिला के, और हम PDM से बाहर नहीं हैं, हम PDM बनाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन की जमातें मिल के इस हुकूमत का खात्मा करें, जो यूं हो सकता है, अब तो वाजे हो गया, लेकिन लेकिन जो नहीं चाहते, जो नहीं चाहते उनका क्या करें?
ये फिर पार्टी देखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।